यशायाह अध्याय सात। यशायाह अध्याय सात। यहूदा का राजा आहाज जो योताम का पुत्र और उज्जियाह का पोता था, उसके दिनों में आराम का राजा रसीन और इसराइल के राजा रमल्याह के पुत्र पेकह, इन्होंने यरूशलेम से लड़ने के लिए चढ़ाई तो की, परंतु युद्ध करके उनसे कुछ बन न पड़ा। और दाऊद के घराने को यह समाचार मिला था कि अरामियों ने एप्रेमियों से संधि की है। तब उसका और प्रजा का भी मन ऐसा कांप उठा जैसे बन के वृक्ष वायु चलने से कांप जाते हैं। तब यहोवा ने यशायाह से कहा, अपने पुत्र शार्याशुब को लेकर ऊपरली पोखरे की नाली से सिरे पर धोबियों के खेत की सड़क पर आहाज से भेंट करने के लिए जा और उससे कहा कि सावधान रह और शांत हो और उन दोनों धुआं निकलती लुकटियों से अर्थात रसीन के और आरामियों के भड़कते हुए कोप से और रमल्याह के पुत्र से मत डर और न तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि आरामियों को और रमल्याह के पुत्र समेत एफ्राइमियों ने यह कहकर तेरे विरुद्ध बुरी युक्ति ठानी है कि आओ हम यहूदा पर चढ़ाई करके उसको घबरा दे और उसको अपने वंश में लाकर ताबेल के पुत्र को राजा नियुक्त कर दे। इसलिए प्रभु यहोवा ने यह कहा है कि यह युक्ति न तो सफल होगी और न पूरी होगी, क्योंकि आराम का सिर दमिश्क और दमिश्क का सिर रसीन है, फिर एफ्रेम का सिर शोमरोन और शोमरोन का सिर रमल्याह का पुत्र है। 65 वर्ष के भीतर एफ्रेम का बल टूट जाएगा और वह जाति बनी न रहेगी। यदि तुम लोग इस बात की प्रतीति न करोगे तो निश्चय तुम स्थिर न रहोगे। तब फिर यहोवा ने आहाज से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा की कोई चिन्ह मांग, चाहे वह गहरे स्थान का हो वह ऊपर का हो। आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का और मैं यहोवा की परीक्षा न करूंगा। तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने सुनो, क्या तुम मनुष्य को उकता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे? इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। वह मक्खन और मधु खाएगा जब तक कि वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना न जाने, क्योंकि उससे पहले कि वह लड़का बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना जाने, जिस देश के दोनों राजाओं के विषय में तू घबरा रहा है वह निर्जन हो जाएगा। यहोवा तुझ पर और तेरी प्रजा पर और तेरे पिता के घराने पर ऐसे दिनों को ले आएगा कि जब से एफ्रेम यहूदा से अलग हो गया तब से वैसे दिन कभी नहीं आए, और अर्थात अश्शूर के राजा के दिन। उस समय यहोवा उन मक्खियों को जो कि मिस्र की नहरों से उधर रही है और उन मधुमक्खियों को जो अश्शूर देश में रहती है सीटी बजाकर बुलाएगा, और वे सब की सब आकर इस देश के पहाड़ी नालों में और चट्टानों के दरारों में और सब भटकटियों और सब चराइयों पर बैठ जाएगी। उसी समय प्रभु महानद के पार वाले अश्शूर के राजा रूपी भाड़े के छुरे से सिर और पांव के रोए मुड़ेगा, उस छुरे से दाढ़ी भी पूरी मुड़ जाएगी। उस समय ऐसा होगा कि मनुष्य केवल एक कलोर और दो भेड़ों को पालेगा और वे इतना दूध देगी कि वह मक्खन खाया करेगा, क्योंकि जितने इस देश में रह जाएंगे वह सब मक्खन और मधु खाया करेंगे। उस समय जिन जिन स्थानों में हजार टुकड़े चांदी की हजार दाखलताए हैं, उन सब स्थानों में कटिले ही कटिले पेड़ होंगे। तीर और धनुष लेकर लोग वहां जाया करेंगे, क्योंकि सारे देश में कटिले पेड़ हो जाएंगे और जितने पहाड़ कुदाल से खोदे जाते हैं उन सबों पर कटिले पेड़ों के डर के मारे कोई न जाएगा। वे गाय बैलों के चरने के और भेड़ बकरियों के रौंदने के लिए होंगे। यशायाह अध्याय सात। यशायाह अध्याय सात। यहूदा का राजा आहाज
जो योताम का पुत्र और उज्जियाह का पोता था, उसके दिनों में आराम का राजा रसीन और इसराइल के राजा रमल्याह के पुत्र पेकह इन्होंने यरूशलेम से लड़ने के लिए चढ़ाई तो की, परंतु युद्ध करके उनसे कुछ बन न पड़ा। और दाऊद के घराने को यह समाचार मिला था कि अरामियों ने एप्रेमियों से संधि की है। तब उसका और प्रजा का भी मन ऐसा कांप उठा जैसे बन के वृक्ष वायु चलने से कांप जाते हैं। तब यहोवा ने यशायाह से कहा, अपने पुत्र शार्याशूब को लेकर ऊपरली पोखरे की नाली से सीरे पर धोबियों के खेत की सड़क पर आहाज से भेंट करने के लिए जा और उससे कह कि सावधान रह और शांत हो और उन दोनों धुआं निकलती लुकटियों से अर्थात रसीन के और आरामियों के भड़कते हुए कोप से और रमल्याह के पुत्र से मत डर और न तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि आरामियों को और रमल्याह के पुत्र समेत इफ्राइमियों ने यह कहकर तेरे विरुद्ध बुरी युक्ति ठानी है कि आओ हम यहूदा पर चढ़ाई करके उसको घबरा दे और उसको अपने वंश में लाकर ताबेल के पुत्र को राजा नियुक्त कर दे। इसलिए प्रभु यहोवा ने यह कहा है कि यह युक्ति न तो सफल होगी और न पूरी होगी, क्योंकि आराम का सिर दमिश्क और दमिश्क का सिर रसीन है, फिर एफ्रेम का सिर शोमरोन और शोमरोन का सिर रमल्याह का पुत्र है। 65 वर्ष के भीतर एफ्रेम का बल टूट जाएगा और वह जाति बनी न रहेगी। यदि तुम लोग इस बात की प्रतीति न करोगे तो निश्चय तुम स्थिर न रहोगे। तब